हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, हमारे पोर्टफोलियो में हमने अलग अलग सेक्टर के शेयर्स बाय करने होते हैं जो कि पोर्टफोलियो बैलेंस रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और एक जो अभी जो सेक्टर चल रहा है ज़्यादा फोकस में है और जिसमें डिमांड बनी हुई है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ऑफिसेस, फ्लैट्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इनका डिमांड, आईटी कंपनीज, इन आईटी पार्क्स, इनका डिमांड फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितनी फैमिलीज बढ़ेगी, उतना रियल एस्टेट सेक्टर में बूम रहने ही वाला है। और अभी जो फोरकास्ट सभी एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले दिनों में भी तेज़ी और डिमांड बनी रह सकती है। इसीलिए एक वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट सेक्टर का स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ जो कि लगातार अपवर्ड ट्रेंड में है। और एक साल में इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया है 3 times। जी हाँ, एक साल पहले ये शेयर 60 rupees का हुआ करता था और इसका आज का रेट था 176 rupees, मतलब करीब करीब 3 times इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया है। शेयर अभी भी अपर मूव में है, कंपनी के फंडामेंटल्स एक्सेलेंट है और रिजल्ट भी शानदार आते हैं, तो ये कंपनी के वो आप कंसिडर कर सकते हो टू बाय, जो कि आने वाले दिनों में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। इस कंपनी के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये कंपनी ऑपरेट करती है और काम करती है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और NCR, ये एरिया में कंपनी काम करती है। ये कंपनी आईटी पार्क्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बनाने का काम करती है, जिसका आज का रेट था 176 rupees एंड 52-week हाई था 178 rupees। ये शेयर गिरता कम है, चलता ज़्यादा है। इस शेयर का पी है 38 का, ईपीएस है 4.70 का और डेट टू इक्विटी रेशो है 0.40 का। तो सभी एंगल से ये शेयर काफ़ी कम्फर्टेबल है, अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग है 63%, FII का होल्डिंग है शानदार 11%, DII का होल्डिंग है 0.09%, जो कि वो भी अच्छा है। बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 22 में नेट प्रॉफिट था 23 करोड़, दिसंबर 22 में था 45 करोड़ और अभी मार्च 23 में आया है 48 करोड़। तो लगातार प्रॉफिट कंपनी के बढ़ रहे हैं। क्वार्टर वन का रिजल्ट जून क्वार्टर भी शानदार आने की उम्मीद है, और अगर ये रिजल्ट भी अच्छा आया तो ये शेयर आपको आने वाले दिनों में 250 rupees के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस कंपनी को आप स्टडी करके इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। कंपनी का नाम है अनंत राज लिमिटेड, अनंत राज लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसका काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एरिया में, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर की एक जानी मानी और लीडिंग कंपनी है इन सब स्टेट्स में। थैंक यू फ्रेंड्स।